बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। वेलकम कहती हूँ आपको किचन फंडामेंटल्स में। आज आपके साथ जी शेयर कर रहे हैं चना पुलाव की रेसिपी। तो जी स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये बिल्कुल फ्री है और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें तेल शामिल करेंगे। दो अदद प्याज लेंगे और उनको स्लाइस में काट लेंगे। तेल में प्याज शामिल करेंगे। कलर ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। साबुत खड़े मसाले शामिल करेंगे। वन टेबलस्पून जिंजर पेस्ट शामिल करेंगे। दो अदद टमाटरों को क्यूब्स में कट कर लेंगे। मसाले में शामिल करेंगे। बॉईल किए हुए चने शामिल करेंगे। खुश्क मसाला जात में नमक, लाल मिर्च, कुटी मिर्च और साबुत धनिया शामिल करेंगे।
1 टेबलस्पून पुलाव मसाला ऐड करेंगे। होममेड इमली की चटनी ऐड करेंगे, जिसकी रेसिपी मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड की थी। दो गिलास चावलों के हिसाब से मैं यहाँ पर 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। टू टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। तीस मिनट से सोक किए हुए चावलों को यखनी में शामिल कर देंगे। पानी खुश्क होने तक अच्छे से तेज आंच पर चावलों को पकाएंगे। जब पानी खुश्क हो जाए तो 15 मिनट के लिए दम की आंच पे पकाने के बाद जी मज़ेदार चना पुलाव तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो जी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं जी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।